कि पिछली सरकार में हर रोज 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, आज एक दिन में 22 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। रोड आप भी बनाते हैं, रोड हम भी बनाते हैं। पिछली सरकार के आखिरी 3 सालों में 80,000 किलोमीटर सड़कें बनी। हमारी सरकार के 3 साल में 1,20,000 किलोमीटर सड़कें बनी। पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में लगभग 1100 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ। सरकार के इन 3 वर्षों में 2100 किलोमीटर हुआ। पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में 2500 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ। इस सरकार के 3 सालों में 4300 किलोमीटर से ज्यादा काम हुआ। 2011 से बाद पिछली सरकार 2014 तक, आप फिर कहेंगे ये तो योजना हमारी थी, ये तो कल्पना हमारी थी, इसकी क्रेडिट तो हमारी है, गीत गाएंगे। सच्चाई क्या है? ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, आपकी कार्य करने के तरीके क्या थे? जब तक रिश्तेदारों का मेल न बैठे, यार अपनों का मेल न बैठे, गाड़ी आगे चलती नहीं थी। 2011 के बाद से 2014 तक आपने सिर्फ 59 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया। 2011 से 2014 3 साल हमने आने के बाद इतने कम समय में 1,00,000 से अधिक पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा। कहां 3 साल में 60 से भी कम गांव और कहां 3 साल में 1,00,000 से ज्यादा गांव, कोई हिसाब ही नहीं है जी। और इसलिए पिछली सरकार शहरी आवास योजना 939 शहरों में लागू किए थे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 4320 शहरों में लागू की। आप 1,000 से भी कम, हम 4,000 से भी ज्यादा। पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में कुल 12,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता जोड़ी गई। इस सरकार के 3 सालों में 22,000 मेगावाट से भी ज्यादा जोड़ी गई। शिपिंग इंडस्ट्री, कार्गो हैंडलिंग में आपके समय नेगेटिव ग्रोथ था, इस सरकार ने 3 साल में 11% से ज्यादा ग्रोथ करके दिखाया है। अगर आप जमीन से जुड़े होते तो शायद आपकी ये हालत न हुई होती।